फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए ताकि आप। मुझे अभी अभी पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है। मुख्यमंत्री जी किसी और जगह जा ही नहीं पाएंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे। और अभी अभी मुझे खबर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा तो मैं नहीं डरूंगा। गोरखपुर की जनता से गठबंधन होगा, तो मैं तो मेरठ अभी आया हूँ। मुझे अभी अभी पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है, और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। गोरखपुर क्या चुनाव, क्या मुद्दे रहेंगे और क्यों चुना गया उसे? पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में सही, उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिन्होंने मेरी बहन के शव को रात को 2:30 बजे जलाया, जिन्होंने जिनके संरक्षण में प्रयागराज में मेरे परिवार के 4 लोगों की हत्या होती है, जिनमें 2 माँ बेटी जो होती है उनके साथ सामूहिक रेप होता है और आरोपी सरेआम घूमते हैं, जिनके राज में यहाँ CNPR NRC में आंदोलन करने वाले मुस्लिम भाइयों को 20 लोगों को एक दिन में कत्ल कर दिया जाता है, जिनके राज में जो है 49 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला होता है और न्याय मांगने पे बहन बेटियों पे लाठी पड़ती है, अगर रोजगार के लिए नौजवान जाता है तो उनको लाठियों से पीट के जो है गाले देके भगाया जाता है, ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग सत्ता में नहीं आने देंगे। इसलिए मैं पार्टी के आदेश का सम्मान करते हैं वहाँ चुनाव लड़ूं। क्या स्थिति रहेगी आपकी, किस तरीके से उनका मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ उनका मुकाबला करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब चुनाव शुरू होगा तो मुख्यमंत्री जी किसी और जगह जा ही नहीं पाएंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे। और अभी अभी मुझे खबर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा तो मैं नहीं डरूंगा। तो मतलब आपका खुला चैलेंज है कि आप मुख्यमंत्री को हरा कराएंगे? मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसमें चैलेंज की कौन सी बात है, चुनाव है, कोई उनसे मेरी व्यक्तिगत झगड़े तो नहीं, उन्होंने गलत किया और गलत करने वाले आदमी के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ रहा हूँ, पार्टी का आदेश है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपने निर्णय लिया कांग्रेस समाज, इसीलिए आपने निर्णय लिया कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। आजाद समाज पार्टी, मैं चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उनको उनको हरा के। आपने अखिलेश से कहा था कि आप उसके सामने अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्या अखिलेश से आप कहना चाहेंगे कि वो आपके सामने अपना प्रत्याशी ना उतारे? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने पहले भी 5 साल विपक्षी भूमिका में मैं सड़कों पर लड़ा, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो 2.5 साल इस 5 साल में जेल रहा, जिसने रासुका झेली। अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के अध्यक्ष ने झेली हो तो आप बता दीजिए। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसपे 100 से ज़्यादा मुकदमे सिर्फ इसलिए लगे कि उसने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो जब मैं 5 साल भी लड़ा हूं, तो अब भी लड़ूंगा। और मैं तो कहता हूं जनता को इन फर्जी नेताओं को छोड़ना चाहिए जो सिर्फ चुनाव के समय उनसे वोट मांगने आते हैं। तो फर्जी नेता आप किसको कह रहे हैं? उन तमाम लोगों को जो चुनाव लड़ने के लिए आगे और कह रहे हैं कि हमें वोट दें, जनता को उनको वोट देनी चाहिए जो उनके लिए लड़ते हैं। और अब जनता मौका, वरना चुनाव के बाद जनता फिर ये कहेगी कि हमसे गलती हो गई। अखिलेश यादव से आपकी बात, इस बार गोरखपुर की जनता से गठबंधन होगा।